हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बेटा करेंगे क्लास 10 की सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 42, यानी कि 42, जो आपकी 10 अक्टूबर की वर्कशीट है। यानी कि ये वर्कशीट आपको मिलेगी 10 अक्टूबर को। इसका हमारा टॉपिक है आज का भारत में संचार और व्यापार। संचार की बात करेंगे और व्यापार की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा संचार का मतलब क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना या कोई चीज़ों का आदान प्रदान, जैसे मतलब किसी को भेजना, मतलब किसी के जन्मदिन का या रक्षाबंधन वगैरह पर, ये ऐसे गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए। वैसे तो चीज़ों का आदान प्रदान व्यापार होता है, जब कोई चीज़ बेची जाती है या खरीदी जाती है। पर हम अपने रिश्ते के लिए जो चीज़ भेजते हैं, खरीदते हैं, उसको संचार ही कहा जाता है। निजी संचार और जन संचार, दो तरह के संचार के जो है वो हमारे पास होते हैं। निजी संचार मतलब एक इंसान के लिए या एक इंसान जब दूसरे इंसान को भेजता है, वही होता है निजी संचार, मतलब थोड़े लोगों के लिए जो होता है। और जो जन संचार होता है वो जनता, पूरे जन के लिए, पूरे जितने भी लोग हैं, जन है, जितने भी मनुष्य हैं, सबके लिए होता है वो, ठीक है। तो निजी संचार में है भारतीय डाक नेटवर्क। भारतीय डाक जो सेवा है ना, वो सबसे बड़ी है। भारत के अंदर डाक सेवा सबसे बड़ी है दुनिया में। भारत डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल के साथ लिखित संचार को भी संभालता है, यानी कि पार्सल्स भी लेके आता है। जैसे कोई आपने बुक भेजी है, कुछ कपड़े वगैरह या कुछ जूते वगैरह भेजते हो, तो वो भी लेके आता है। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। और उसके अलावा जो हमारे पास किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्रिकाएँ जो होती हैं, उनको सेकेंड क्लास माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 मेल, त्वरित मतलब बहुत जल्दी जल्दी, उस 6 मेल चैनल जो है वो राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल को स्थापित जो है वो किया गया। 6 मेल चैनल जो है वो स्थापित किए गए हैं, ताकि जो मेल है वो जल्दी जल्दी, जो डाक सेवा है वो जल्दी जल्दी पहुंच सके, उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँच सके। उसके बाद में भारतीय दूर संचार नेटवर्क। भारतीय दूर संचार नेटवर्क में हमारे पास क्या आता है? जब हम मोबाइल फ़ोन वगैरह या टेलीफोन का उपयोग करते हैं, मतलब घर पे बैठे कहीं दूर आप फ़ोन कर रहे हो, ठीक है, तो दूर संचार, दूर जाके, तो एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 से अधिक गांवों को, 3 में से 2 गाँव जो हैं वो इनको कवर कर चुके हैं। हर 3 में से 2 गाँव कवर हैं, कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गाँव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने के लिए विशेष प्रावधान जो है वो लिया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है, मतलब एक कॉल को करने के लिए, एक बार फ़ोन करने के लिए जितने पैसे लगते हैं, अगर वो हर हिस्से में, अगर वो एक कॉल के लिए 10 रुपये लगते हैं तो उतने ही लगेंगे। ये नहीं है कि किसी और हिस्से में आप जाओगे तो वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनसंचार की। जनसंचार में क्या होता है? जो बहुत सारे लोगों के साथ संचार किया जाता है एक टाइम पे। जैसे आप बोलो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर, जैसे लेक्चर लगाते हैं उनके टीचर्स, तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है, एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता। वैसे ही टीवी के ऊपर कोई सीरियल आता है, फिल्म आती है, कोई भी प्रोग्राम आता है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है। सो जिसमें टेलीविजन, वीडियो, फिल्में और रेडियो शामिल हैं। AIR भारत का जो रेडियो है, जिसको AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। राष्ट्रीय मतलब हिंदी में भी आते हैं प्रोग्राम उसमें, इंग्लिश में भी आते हैं, पंजाबी में भी आते हैं, हरियाणवी में भी आते हैं, राजस्थानी में भी आते हैं, गुजराती में भी आते हैं, तो अलग अलग भाषाओं के ऊपर उसके अंदर जो है प्रसारण जो है वो कार्यक्रमों का किया जाता है। उसके बाद में दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल, दुनिया का सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। स्थलीय मतलब दूरदर्शन के जो चैनल आते हैं, जैसे जिनके आगे DD लगा होता है, जैसे DD1, DD इंडिया, DD भारती, DD नेशनल, जो DD1 है उसको DD नेशनल बोला जाता है। इसके अलावा DD गुजराती या जो भी हैं, DD पंजाबी वगैरह, तो ये इनका सबसे बड़ा नेटवर्क है दूरदर्शन का। और दूरदर्शन के ऊपर काफ़ी सारी फिल्में, सीरियल्स, गाने, खबरें, सब कुछ दिखाया जाता है। भारत में दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। जो फीचर फिल्में जहाँ पे बनती है ना, उनके जितने भी वो देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते हैं, उनमें से एक हमारा भारत भी है। इसमें लघु फिल्में भी बनाई जाती हैं, फीचर फिल्में भी बनाई जाती हैं और वीडियो लघु फिल्में भी हैं जो बनाई जाती हैं। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अब ये क्या काम करता है? जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, चाहे वो इंडिया की है, भारत की है, चाहे वो भारत से बाहर कोई विदेशी फिल्म है, उसको ये सर्टिफिकेट देता है रिलीज करवाने के लिए, तो उनको ये अनुमति जो है वो देते हैं, ठीक है।
उसके बाद में प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब जैसे न्यूज़पेपर हो गया, सबके लिए आता है, मैगजीन्स यानी कि पत्रिकाएं हो गई जो सबके लिए आती हैं, किताबें, ठीक है, जैसे NCERT की किताबें छपती है तो वो किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं होती है, किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है जहाँ पे उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी में है। हिंदी जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो अंग्रेजी में होते हैं, उसके बाद में उर्दू और फिर हिंदी जो है वो है, पर भारत में सबसे ज़्यादा आई थिंक सो हिंदी के अंदर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास है व्यापार। व्यापार क्या होता है? जब लोगों के बीच में कोई आदान प्रदान होता है, जब मतलब कोई चीज़ को बेचता है या कोई खरीदता है, जब राज्य के बीच में होता है या देशों के बीच में जो आदान प्रदान होता है माल का, उसको बोलते हैं व्यापार। और कहाँ पे होता है? ये बाजारों में यानी कि मंडियों में होता है, ठीक है। व्यापार के 3 प्रकार होते हैं, स्थानीय व्यापार और राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार। तो स्थानीय व्यापार क्या होता है कि शहरों, कस्बों और गांव में किया जाता है, कि गांव की चीज़ गांव में बेच देना, शहर की उस शहर के अंदर ही बेच देना, ठीक है। उसके अलावा है राज्य स्तरीय, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं राज्य स्तरीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार। और किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत निर्भर करती है। किसी देश का व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ऊपर बहुत निर्भर करता है। कोई देश आर्थिक उन्नति करेगा या नहीं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए इसको आर्थिक बैरोमीटर भी जो है वो कहा जाता है। बैरोमीटर होता है भूकंप वगैरह को जो मापने वाला एक यंत्र होता है, ठीक है, वो कहा जाता है इसको। उसके बाद में व्यापार के घटक। देखो व्यापार में क्या हो सकता है, या तो आप चीज़ को बेच सकते हो या खरीद सकते हो, यानी कि या तो आप आयात कर सकते हो या आप निर्यात कर सकते हो। आयात मतलब आप खरीद रहे हो, निर्यात मतलब आप बेच रहे हो, ठीक है। जैसे ज्वारात बेच सकते हैं, रसायन और उससे संबंधित उत्पाद जो है वो बेच सकते हैं, कृषि से संबंधित उत्पाद बेच दिए, वैसे ही आयात में भी यही हो सकता है, पेट्रोलियम और उसके उत्पाद, रत्न और ज्वारात, रसायन से संबंधित पदार्थ या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक या कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनका आयात करना, ठीक है। अब है व्यापार का संतुलन। किसी देश में व्यापार का संतुलन उसके आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है। पहला होता है अनुकूल संतुलन, यानी कि निर्यात ज़्यादा है आयात कम होता है। अनुकूल होने का मतलब व्यापार में क्या होता है, लाभ ही तो देखना होता है। कोई व्यापार अच्छा कब होता है? जब उसमें प्रॉफिट होता है, जब लाभ होता है, ठीक है, इनकम बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, तो जब निर्यात ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा चीज़ बेचेंगे तब ज़्यादा पैसा आएगा, और जब जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ही इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। और प्रतिकूल संतुलन क्या होता है? जब आयात बढ़ जाता है और निर्यात जो है वो कम हो जाते हैं, यानी कि हम चीज़ खरीद ज़्यादा रहे हैं और बेच कम रहे हैं, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है, और भारत और सूचना देखिए बाद में भारत में पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। देखिए भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों से काफ़ी बढ़ चुका है। 3 दशक यानी मतलब 30 सालों में, 1 दशक में 10 साल होते हैं। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, यानी कि लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार जो है वो मिल रहा है। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा जो है वो देता है। इसके अलावा हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हस्तशिल्प मतलब बाहर से जो लोग आते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते हैं तो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं, और इससे क्या होता है वहाँ के जो हस्तकला या सांस्कृतिक गतिविधियों वाले लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। लोग बेसिकली भारत में जो होते हैं विरासती चीज़ें देखने आते हैं, जैसे कोई फोर्ट्स हो गए, जैसे गढ़ होते हैं, ठीक है, किले हो गए, ठीक है, पुरानी इमारतें हो गई उनके लिए, या ट्रेडिशनल कल्चर को देखने के लिए, राजा महाराजा वाला जो होता था उसको देखने के लिए। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, हेरिटेज उसी को बोलते हैं पुरानी चीज़ों को जो देखते हैं, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। भारत में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। इसे इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है उस देश को जिसके अंदर जो पर्यटक है वो घूमने के लिए आते हैं, तो काफ़ी जो आर्थिक विकास है किसी देश का उसके अंदर जो पर्यटन है उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सो उसके कारण जो है वो पर्यटन उद्योग जो है उनको बढ़ावा जो है लगातार दिया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आएंगे तो उतनी ही हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और ज़्यादा सही होगी, ठीक है।
उसके बाद में देख लेते हैं बेटा इसके टोटल 5 क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को, सो डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन इन क्वेश्चंस को। सो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश के का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों। व्यापार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 3 प्रकार का हो सकता है। स्थानीय मतलब उसी जगह से कर सकते हो आप लेन देन, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पे, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि विकसित यानी कि वेल सेटल्ड जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, व्यापार की आर्थिक उन्नति का प्रतीक होता है। क्योंकि विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की, यहाँ पे देश लिख लेना, देश की आर्थिक उन्नति का प्रतीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो अपनी चीजें कम भेज रहा है और लोगों के दूसरे देशों से चीजें ज्यादा मंगवा रहा है। तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल मतलब जब बराबर होता है तब बैलेंस होता है, जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो कम इम्पोर्ट करते हो वो आपके लिए फायदा का होता है। तो इसके कारण एक्स देश की जो अर्थव्यवस्था उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति धीमी हो जाएगी, मतलब डेवलपमेंट रेट गिर जाएगी उनकी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है। आपके दैनिक जीवन में से उदाहरण दें, जब आपने इनमें से प्रत्येक का प्रयोग किया था उनकी डिलीवरी कौन संभालता है। तो कार्ड तथा लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि को द्वितीय श्रेणी का मेल कहा जाता है। इन सबकी डिलीवरी पोस्टमैन संभालता है। मैंने अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक पत्र लिखा और अपनी सहेली को उसके जन्मदिन पर एक उपहार भेजा, जो क्रमशः प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की मेल है। तो ये आपकी मेरी लाइफ का एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं। अगर आप लड़का है तो अपने मित्र को कर दे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से पर्यटन वाले में से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पर्यटन में से होने वाले बहुत सारे लाभ में से कुछ इस प्रकार हैं, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटन से दूसरे देशों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आती है क्योंकि विदेश के लोग आएंगे तो विदेशी मुद्रा आएगी, और पर्यटन से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, हस्तकला के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है क्योंकि लोग जो बाहर से लोग आते हैं पर्यटन के लिए वो क्या करते हैं, उस जो एरिया होता है उसकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनको लेना पसंद करते हैं, उनको एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हस्तकला के जो उद्योग है उनको भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद देखिए, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक यानी कि 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया, आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो एसटीडी द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर, पहला है किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी, नई नई टेक्निक्स वो ढूंढ सकेंगे, संचार के साधनों के विकास से गांव में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी, किसानों की बाजार तक पहुंच और मजबूत और आसान हो जाएगी या होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ फायदे गांवों के अंदर एसटीडीज के। सो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और 2 का आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। जल्दी से अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।